सब्सक्राइब कीजिए फोन मैग्नेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों Xiaomi ने Redmi को अपना नया सब ब्रांड बना लिया है और इसी ब्रांड का पहला फ़ोन है Redmi Note 7। और दोस्तों इस फ़ोन की खास बात इसके पीछे दी हुई है 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और इसकी कीमत भी कंपनी ने बहुत कम रखी है। तो चलिए देख लेते और क्या खासियत है इस फ़ोन की और आज हम इस फ़ोन को कंपेयर करने वाले Asus ZenFone Max Pro M2 के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश, आप देख रहे हैं फ़ोन मैग्नेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर मैं बात करता हूँ Redmi Note 7 के डिस्प्ले के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले और यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए Gorilla Glass 5 की परत चढ़ाई गई है, जबकि दूसरी तरफ Asus ZenFone Max Pro M2 में दिया गया 6.26 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले और यहाँ पर Gorilla Glass 6 की परत चढ़ाई गई है। दोनों फ़ोन में स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर मिल जाता है। और बात करें कैमरे की, तो दोस्तों ये Redmi Note 7 का USB फीचर है, तो यहाँ पर मिलता है पीछे की तरफ 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा जो आता है 1.8 अपर्चर के साथ। इसके अलावा सेकेंडरी कैमरा मिलता है 5 मेगापिक्सल का, जबकि सेल्फी के लिए मिलेगा 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। दूसरी तरफ Asus में मिलता है 12+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा जो आता है 1.8 अपर्चर के साथ और यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी के लिए फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। Redmi Note 7 को पावर देने का काम करती है 4000 mAh की बड़ी बैटरी जो सपोर्ट करती है क्विक चार्ज 4 को, जबकि Asus ZenFone में मिलती है 5000 mAh की बड़ी बैटरी। Redmi Note 7 मिलता है 3 GB रैम के साथ 32 GB स्टोरेज और 4 GB और 6 GB रैम के साथ 64 GB स्टोरेज में और यहाँ पर 256 GB तक का मेमोरी कार्ड लगाने का सपोर्ट भी दिया गया है, जबकि Asus मिलता है दोस्तों 3 GB रैम के साथ 32 GB स्टोरेज में और 4 GB रैम और 6 GB रैम के साथ यहाँ पर 64 GB की स्टोरेज मिल जाती है और यहाँ पर 2 TB तक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगाने का सपोर्ट भी दिया गया है। डुअल सिम 4G वाईफाई ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिविटी फीचर दोनों फ़ोन में मिल जाते हैं। और सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का फीचर भी दोनों फ़ोन में दिया गया है। Redmi Note 7 काम करता है एंड्रॉयड 5 के साथ जो आता है MIUI 10 में, जबकि Asus ZenFone में मिलता है स्टॉक एंड्रॉयड के साथ 8.1 ओरियो और यहाँ पर जनवरी में एंड्रॉयड 5 का अपडेट भी मिल जाएगा। अब बात आती है प्राइजिंग की, तो दोस्तों Redmi Note 7 फिलहाल चाइना में लॉन्च हुआ है और वहाँ पर इसके 3 GB रैम वेरियंट की प्राइस है 10,500 रुपये, 4 GB रैम वेरियंट की प्राइस है 12,500 रुपये और 6 GB रैम वेरिएंट की प्राइस है 14,500 रुपये, जबकि Asus का 3 GB रैम वेरिएंट मिलता है दोस्तों 13,000 रुपये में, 4 GB रैम वेरिएंट 15,000 रुपये में और 6 GB रैम वेरिएंट मिलता है 17,000 रुपये में और ये फ़ोन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। दोस्तों Redmi Note 7 मिलता है ब्लैक, ब्लू और पर्पल कलर के साथ, जबकि Asus ZenFone Max Pro M2 मिलता है दोस्तों ब्लू और टाइटेनियम कलर के साथ। अब देख लेते हैं इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन है ज़्यादा बेहतर। तो डिस्प्ले के हिसाब से दोस्तों दोनों फ़ोन बराबर की टक्कर में, लेकिन यहाँ पर Asus में मिलेगा Gorilla Glass 6 जबकि Redmi Note 7 Gorilla Glass 5 भी मिलता है। दोनों फ़ोन में प्रोसेसर बराबर है, लेकिन कैमरे के मामले में Redmi Note 7 आगे निकल जाता है Asus के मुकाबले और बैटरी के मामले में Asus आगे निकल जाता है Redmi के मुकाबले। बाकी दोनों फ़ोन में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अब देखते हैं Redmi Note 7 की कंपनी इंडिया में प्राइस कितनी रखती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोजाना लाता रहता हूँ आपके लिए ऐसे ही वीडियो।